तो हेलो उसकी फैमिली, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग 2021 यामाहा फसिनो BS6 हाइब्रिड का स्पीडोमीटर देखने वाले हैं कि आपको 2021 यामाहा फसिनो का स्पीडोमीटर देखने में कैसा लगता है और आपको क्या कुछ फीचर देखने को मिल जाते हैं इस स्कूटर के स्पीडोमीटर में। बाकी दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यामाहा कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट लेना है या फिर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सुनंदा यामाहा, जो कि लोकेटेड है हमारे एरिया ससाराम रोहतास बिहार में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे, साथ में आपको यामाहा कंपनी के सारे ही प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैं ईशु सर का नंबर यहाँ पर आपको फ्लैश हो रहा होगा, तो ईशु सर से आप डायरेक्टली बात करके काफ़ी अच्छे डील्स ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, ये है यामाहा 2021 फसिनो BS6 हाइब्रिड। तो मैं आपको बता दूं कि यामाहा फसिनो में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो एक वेरिएंट में आपको कुछ ऐसा स्पीडोमीटर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक लगता है और आपको एनालॉग देखने को मिलता है। वहीं दूसरा है हाइब्रिड मॉडल, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस और मतलब कि फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। तो ये है बेसिकली यामाहा फसिनो का स्पीडोमीटर। तो देखने में यह काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। बाकी ऑन करते हैं इस स्कूटर के स्पीडोमीटर को, तो कुछ इस टाइप का एनिमेशन बना हुआ आता है, जिसमें कि आपको सबसे ऊपर में टैकोमीटर देखने को मिल जाता है, नीचे आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पर ऑडो आपको पता चलता है कि जो स्कूटर है वो कितना किलोमीटर चल चुका है। यहाँ पर आपको फ्यूल शो होता है। बाकी टॉगल करते हैं, यहाँ पर आपको टॉगल बटन दिया गया है, तो टॉगल करते हैं तो आपको ट्रिप 1 देखने को मिलता है, बाकी आपको ऑडो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको फसिनो का काफ़ी अच्छा 3D में मतलब कि नेम दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम टच देता है। और यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो भी दिया गया है। और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, साथ में आपको ये इसका मतलब कि इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, इंजन माल फंक्शनिंग का इंडिकेटर देखने को मिल जाता है कि अगर आपके स्कूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये जो इंजन माल फंक्शनिंग लाइट है ये ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो लाइट है। बाकी यहाँ पर आपको हाई बीम का लाइट देखने को मिलता है, ऊपर में आपको इंडिकेटर्स के लाइट देखने को मिल जाते हैं। तो इस स्कूटर का जो स्पीडोमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस स्पीडोमीटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है, जिससे आप इस स्पीडोमीटर को डायरेक्टली अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो और कनेक्ट करके मतलब काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार ओवरऑल आप देख लीजिए इस स्कूटर के स्पीडोमीटर को और आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस स्कूटर का स्पीडोमीटर आपको कैसा लगता है।